शेरघाटी के नई बाजार से गोला बाजार होते हुए जेपी चौक तक भाकपा माले द्वारा केंद्र सरकार के श्रम नीति के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ट्रेड यूनियन के देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए शेरघाटी इकाई के भाकपा नेता रामलखन प्रसाद के नेतृत्व में निकाले गए आक्रोश मार्च में किसान विरोधी व जन विरोधी बिजली कानून को वापस लेने, निजीकरण पर रोक लगाने और देश में बेरोजगारी, मंदी, छटनी व महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर इनका समर्थन करते हुए शेरघाटी नई बाजार बस स्टैंड से में 80 से अधिक पक्की दुकानों को जीटी रोड के चौड़ीकरण को लेकर तोड़े जाने का जो आदेश जारी किया गया है उसका भी विरोध किया गया। दुकानदार संघ के लोगों ने नारे लगाए और तोड़े जाने के इस कदम को अनुचित बताया। इनका कहना था कि इस लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के दौर में हम लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, हमें नगर पंचायत सरकारी भूमि पर दुकान बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था करे। मालूम हो कि शेरघाटी बस स्टैंड के समीप दुकानदार संघ और माले द्वारा संयुक्त रूप से पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। प्रतिरोध मार्च में माले नेता रामलखन प्रसाद के अलावा दुकानदार संघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष मोहम्मद रफीक, सचिव मनोज कुमार, आदित्य प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, रहमत अली, रंजन कुमार आदि लोग शामिल थे। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। ट्रेड यूनियन का पूरे देश में हड़ताल है और इसमें हमारे दुकानदार संघ भी जुड़े हुए हैं। खास करके शेरघाटी में दुकानदार लोग जो बस स्टैंड पर हैं उनको बगैर वैकल्पिक व्यवस्था को दुकान तोड़ने की जो फरमान जारी कर दिया गया है, हम इस पर मांग करते हैं कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, नए दुकान बना कर दिया जाए। और जब तक नए दुकान बना कर नहीं दिया जाता है तब तक हम किसी कीमत पर दुकान नहीं तोड़ने देंगे। चाहे हम पर डोजर चलाए, हम सो जाएंगे, हम पड़े रहेंगे, हम दुकान ढहाने नहीं दे जाएंगे, क्योंकि इन दुकानदारों के पीछे हजारों आदमी हैं जो अगर दुकान टूट जाएगा तो सारे लोग भुखमरी के शिकार होंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम तमाम नौजवानों को रोज़गार देंगे, तमाम लोगों को रोज़गार देंगे, आज जो रोज़गार में लगे हुए हैं उसको रोज़गार विहीन बनाना चाहते हैं। ये कहीं से भी गैर कानूनी है, यह सुप्रीम कोर्ट के कानून आदेश का भी अवहेलना है। यह सुप्रीम कोर्ट की कहना है कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था की हुए किसी का भी दुकान, किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता है। हमारा नगर पंचायत पदाधिकारी से मांग है कि जिस तरह से पिछले बार आपने दुकान बनाकर तमाम लोग को दुकान दिए हैं, उसी तरह से इस बार भी आपका जमीन है उस जमीन में नया दुकान बना करके दीजिए।